हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिशिंग क्राफ्ट्स के बारे में। ठीक है, क्राफ्ट्स क्या होते हैं? ऐसे टाइप के यहाँ पे एक तरह से प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि फिशिंग ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर बोट्स हो गई, वो क्या की जाती है? मछली पकड़ने के लिए यूज की जाती है, तो वो एक टाइप का क्राफ्ट होता है। तो फिशिंग क्राफ्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं फॉर द फिशिंग ऑपरेशंस। जो भी फिशिंग ऑपरेशंस हैं उनको कैरी करने के लिए, कैरिंग द क्रू एंड द फिशिंग गियर। साथ में एक तो जो फिश पकड़ने जा रही है, जो क्रू फिश पकड़ने गया है, जो भी लोग गए हैं, एंड उनके पास फिशिंग गियर है। ठीक है, उन फिशिंग गियर से ही क्या कर सकते हैं, वो फिश को पकड़ सकते हैं। तो इन दोनों, ये दोनों कैरी करते हैं, जो प्लेटफॉर्म कैरी करता है उसको फिशिंग क्राफ्ट बोला जाता है। फिशिंग गियर्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर द फिश कैचिंग, एंड फिश कैचिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनको फिशिंग गियर्स बोला जाता है। अब जो फिशिंग क्राफ्ट है एंड फिशिंग गियर्स, ये दोनों मिलके एक फिशिंग यूनिट फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिशिंग यूनिट के अंदर इंक्लूड होता है तो फिशिंग क्राफ्ट। फिशिंग क्राफ्ट के अंदर जो प्लेटफॉर्म यूज किया गया है, एंड फिशिंग गियर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं फिशिंग करने के लिए, तो ये एक फिशिंग यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं। फिशिंग गियर्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टाइप के डिफरेंट डिफरेंट नेट्स हुक्स यूज किए जाते हैं फिश को पकड़ने के लिए। तो फिशिंग क्राफ्ट्स के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेनली हम यहाँ पे ये टाइप के मेन मेन यहाँ पे फिशिंग क्राफ्ट्स की बात करेंगे, जिसके अंदर ये अलग अलग टाइप की बोट्स होती हैं। इसके अंदर कैटामरन होती है, जो कि फर्दर चार टाइप्स की होती है। जिस भी एरिया के अंदर वो यूज की जाती है उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके यूज किया जाता है। जैसे कि ओडिशा एंड गंजाम टाइप होती है, आंध्रा टाइप होती है, कोरोमंडल टाइप होती है, बोट कैटामरन होती है। तो ये अलग अलग टाइप की कैटामरन होती है। मसूला बोट होती है, ढिंगी होती है, टूटी कोरिन बोट होती है, डुगआउट कैनोइज होती है, प्लैंक बिल्ट कैनोज होती है, आउटरिगर कैनोज होती है, बिल्टअप बोट्स होती हैं, शू बोट होती हैं, कोरैकल, काकीनाडा, नावा। तो ये सभी अलग अलग टाइप की यहाँ पे फिशिंग क्राफ्ट्स होती हैं जो कि फिशिंग के लिए यूज की जाती है, मछलियों को पकड़ने के लिए यूज की जाती है। इनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की अगर हम बात करें कैसे टाइप से इनके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो सिंपली ऐसे आ सकता है कि फिशिंग क्राफ्ट्स कौन कौन से होते हैं, या तो एक सिंपली जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट होगी, जैसे कि यहाँ पे डिंगी हो गई इसके बारे में पूछ लिया, या फिर कैटामरन हो गई, यहाँ पे इन बोट्स के बारे में पूछ लिया कि एक मार्क के क्वेश्चन में, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट आती है कैटामरन। कैटामरन जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है एक तमिल वर्ड से, तमिल वर्ड कटलू मरम से। ठीक है, कटलू मरम से ये डिराइव किया गया है, जो कि एक तरह से इसका नेचर ऑफ क्राफ्ट भी डिस्क्राइब करता है। कीलेस क्राफ्ट होती है, फॉर्म बाय द टाइम टुगेदर 3 to 7 लॉग्स ऑफ वुड। इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, जो वुड ली जाती है, ठीक है, लॉग्स ऑफ वुड लिए जाते हैं एंड उनको बांध बांध दिया जाता है। ठीक है, उनको टाई कर दिया जाता है, ये बांधी हुई है यहाँ पे। तो सिंपली इसके अंदर 3 to 7 लॉग्स ऑफ वुड होती है, जो कि टुगेदर टाई की जाती है, बांध दी जाती है। लूज रबर इज हंग बिटवीन द लॉग्स कॉल्ड टैपा। कई बार यहाँ पे क्या किया जाता है, एक रबर भी यूज किया जाता है, एक लूज रबर यूज किया जाता है इनके इन लॉग्स को टाई करने के लिए, हंग करने के लिए, उसको बोला जाता है टैपा। लेंथ इसकी 5 to 12 मीटर होती है, विड्थ इसकी 0.7 मीटर to 1.4 मीटर की होती है, डेप्थ इसकी, ठीक है, कितनी ये इसकी डेप्थ हो गई, ये 0.3 to 0.7 मीटर होती है। तो ये सब इसकी मेजरमेंट होती है कैटामरन की। अब कैटामरन भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। इसके अंदर ये चार टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट होती है ओडिशा एंड गंजम टाइप। तो इसके अंदर क्या होता है, ये बनी हुई होती है 5 लॉग्स, ठीक है, 5 लॉग्स विच आर पैस्ड विद वुड, जो कि वुड के साथ पैस्ड किए जाते हैं। और ये कोस्टल वाटर्स जो होते हैं पूरी एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है, ओडिशा के इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये यूज की जाती है, इसलिए इसका नाम भी ऐसा ही है। इसके बाद नेक्स्ट आती है आंध्रा टाइप। ठीक है, आंध्रा टाइप जो है स्लाइटली लार्जर होती है ओडिशा टाइप से। ठीक है, ये थोड़ी सी इससे लार्जर होती है।
इसके अंदर क्या होती है, हैवी लोब होती है विद साइड फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग मीडियन लोब, एंड इसके अंदर जो साइड्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग मीडियन लोब्स की बनी हुई होती है, साइड्स जो है स्ट्रॉन्ग मीडियन लोब्स की बनी हुई होती है, तो ये आंध्रा टाइप होती है। इसके बाद कोरोमंडल टाइप जो होती है, ये कोरोमंडल टाइप जो है ये कॉमनली चेन्नई के अंदर यूज की जाती है, ठीक है, ये चेन्नई के अंदर यूज की जाती है। एंड ये क्या की जाती है, ये बनी हुई होती है लॉक्स ऑफ वुड हैविंग डिफरेंट लेंथ्स। यहाँ पे ये जो लॉक्स यूज किए जाते हैं वुड के, इनकी लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है, 3 to 5 लॉक्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं एंड इनकी लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है, एक तरह से जो ओरिजिनल कैटामरन है उसकी टाइप की ये होती है। और इसके अलावा नंबर 4th आते हैं यहाँ पे बोट कैटामरन। बोट कैटामरन जो है ये 3 लॉक्स फिटेड लाइक अ बोट, यहाँ पे लकड़ी के लॉक्स लिए जाते हैं, ठीक है, 3 लॉक्स लिए जाते हैं वुड के एंड उनको एक दूसरे के साथ फिट कर दिया जाता है और ये ऐसे लगती है कि जैसे क्या है, ये एक बोट है, तो ये बोट कैटामरन होती है। तो ये अलग अलग टाइप की कैटामरन के टाइप होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आती है मसूला बोट। ये जो बोट है फ्रेमलेस होती है, डबल एंडेड होती है, कीललेस बोट होती है, जो कि बनी हुई होती है मैंगो प्लांट्स की, जिनको टाई कर दिया जाता है विद पीम पाम लीफ फाइबर्स के साथ, ठीक है, जो पाम लीफ फाइबर्स होते हैं उनके साथ इनको बांध दिया जाता है मैंगो प्लांट के वुड्स को, तो उनसे ये बनी हुई होती है, फ्रेमलेस होती है, इसके अलावा डबल एंडेड होती है, ठीक है, 2 एंड होते हैं इसके, 2 एंड होंगे, और कीललेस बोट होती है जो कि मैंगो प्लांट्स की वुड की बनी हुई होती है, उन वुड्स को पाम लीफ फाइबर्स के साथ बांध दिया जाता है। लेंथ इसकी होती है 8 to 12 meter, ठीक है, इतनी लेंथ इसकी पाई जाती है। कॉमनली ये यूज होती है ओडिशा एंड जो बोल सकते हैं जो ओडिशा एंड जो आंध्रा कोस्ट है वो जहाँ पे ये बोट्स यूज की जाती है, तो ये भी एक टाइप की मसूला बोट होती है, यानी कि ओडिशा और आंध्रा कोस्ट के ऊपर जो बोट्स यूज की जाती है वो ऐसी ही होती है। तो ये मसूला बोट के बारे में हो गया। नेक्स्ट है डिंगी एंड नौका। ये जो है डिंगी जो होती है कार्ड बोट होती है, कॉमनली वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा के अंदर ये यूज की जाती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा के अंदर ये यूज की जाती है इसकी। और जो नौकाज होती है वो लॉन्ग बोट्स होती है थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है, डिंगी तो क्या होती है कार्ड बोट होती है, जैसे ये हो गई, और नौकाज जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग बोट होती हैं, फिशिंग के लिए यूज की जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप की बोट होती है टूटीकोरिन बोट। टूटीकोरिन जो है इसका साइज होता है 10 to 11 meter into 2 meter एंड into 1 meter, यानी इसकी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई एंड विड्थ हो गई, तो ये अलग अलग मेजरमेंट इसकी होती है। इन शोर वाटर्स के अंदर ये यूज की जाती है, इसको फिशिंग लुगर्स भी बोला जाता है, और ये कार्गो बोट एंड मदरशिप्स की तरह भी यूज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है डुगआउट कैनोइज। डुगआउट कैनोइज जो है ये कीललेस एंड सिंगल पीस बोट होती है, जो कि होलो ट्रंक ऑफ द पाम ट्री की बनी हुई होती है। इसके अलावा इसका बॉटम जो है बोट का वो थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, बॉटम क्या है इसका थिक है, लेकिन इसके जो एजेस हैं, इसके जो किनारे हैं, साइड्स हैं, वो यहाँ पे थिन होते हैं प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए। केरला एंड कोंकण कोस्ट के ऊपर ये यूज की जाती है बेसिकली। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आती है प्लैंक बिल्ट कैनोइज। प्लैंक बिल्ट कैनोइज जो है ये जो डुगआउट कैनोइज है उनकी ही मॉडिफाइड फॉर्म होती है, इनके अंदर इनलार्ज्ड होती है ये विद प्लैंक्स ऑन द साइड्स, साइड्स के अंदर इनके अंदर प्लैंक्स यूज किए जाते हैं, यूज्ड इन केरला, नॉर्थ मुंबई एंड काठियावाड़ के अंदर ये यूज किए जाते हैं प्लैंक बिल्ट कैनोइज। इसके बाद नेक्स्ट आती है आउटरिगर कैनोइज। आउटरिगर कैनोइज जो है ये लार्ज साइज की बोट्स होती है विद मोर स्प्रेड आउट प्लैंक्स, इसके अंदर थोड़े से जो प्लैंक्स होते हैं वो और ज्यादा स्प्रेड कर दिए जाते हैं, एंड साइज जो होता है इसका 15 into 3 meter ये लॉन्ग होती है। इसके अलावा केरल एंड कोंकण कोस्ट के ऊपर ये यूज की जाती है, इसको रामपानी बोट्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग के लिए रामपानी नेट्स यूज किए जाते हैं।
नेक्स्ट आते हैं बिल्ट अप बोट्स. बिल्ट अप बोट्स जो है ये वुड पीसेस की बनी हुई होती है जिनको नेल्स के थ्रू, कीलों के थ्रू क्या किया जाता है यहाँ पे जॉइंट किया जाता है. इसके अंदर फर्दर तीन टाइप की होती है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है. मेन तीन टाइप यहाँ पे रत्नागिरी होती है, जो इसके अंदर पॉइंटेड बो होता है, स्ट्रेट एंड नैरो कील विद लो गनवेल होती है, मछुआ होती है, ब्रॉड हल होता है. ठीक है, ये वाली ब्रॉड हल हो गई, पॉइंटेड बो होता है एंड स्ट्रेट कील इसकी होती है. इसके अलावा जो नंबर थर्ड है यहाँ पे सतपति, ये इसके अंदर ब्रॉड बीम होता है, मीडियम पॉइंटेड बो होता है. ठीक है, मीडियम पॉइंटेड बो होते हैं यहाँ पे, स्ट्रेट कील एंड हाई गनवेल इसका होता है. तो ये अलग अलग टाइप की यहाँ पे बिल्ट अप बोट्स हैं जो कि अलग अलग एरियाज के अंदर यूज की जाती है. इसके अलावा कुछ और भी टाइप की बोट्स है, जैसे कि टूटी कोरिन टाइप हो गई चेन्नई की, डायमंड हार्बर हो गई बेंगोल की, वो भी बिल्ट अप बोट्स ही होती हैं. इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बोट आती है शू डोनी. ये शू टाइप शेप की होती है, ठीक है, शू शेप की होती है, जो कि टीक वुड की बनी हुई होती है, कंस्ट्रक्टेड विद द प्लैंक्स ग्रूव्ड विद रिब्स एंड फ्रेम्स. ठीक है, यहाँ पे क्या किए जाते हैं, प्लैंक्स को ग्रूव किया जाता, यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड होती है प्लैंक्स ग्रूव्ड की, एंड इनको रिब्स एंड फ्रेम्स के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है. वुड जो है नेल्स के थ्रू फिट की जाती है, एंड ये गोदावरी रिवर के अंदर यूज की जाती है. इसके अलावा ये वाइड होती है थोड़ी सी, और आगे की तरफ से थोड़ी सी फ्लैट होती है. ठीक है, आगे की तरफ से थोड़ी सी ये फ्लैट होती है. नेक्स्ट आते हैं कोरेकल. कोरेकल जो है ये राउंड बोट होती है, फॉर्म बाय बैम्बूज एंड आउटर साइड इज कवर्ड बाय लेदर. अंदर से तो क्या होती है, बैम्बूज की बनी हुई होती है, और बाहर से लेदर से कवर्ड होती है, जो कि रिवर कैनाल्स एंड रिजर्वोयर्स के अंदर यूज की जाती है. नेक्स्ट है काकीनाडा नाव. ये लॉन्ग बोट होती है जो कि टीक वुड की बनी होती है, और कंस्ट्रक्टेड विद फ्रेम्स एंड रिब्स की बनी होती है. ठीक है, रिब्स एंड फ्रेम्स को यूज करके बनाई हुई होती है. ओपन टाइप की होती है ये, ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी ढकी हुई चीज नहीं होगी, ओपन टाइप की होती है ये, एंड कैन बी यूज इन रिवर्स एंड लेक्स. रिवर एंड लेक्स के अंदर इसको यूज किया जा सकता है. तो ये टाइप की बोट्स यहाँ पे हमने देख लिए, अलग अलग टाइप की फिशिंग क्राफ्ट्स ये थे, जिसके अंदर हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बोट्स के बारे में डिस्कस किया. इनमें से जैसे कि टूटी कोरिन हो गई, ढिंगी हो गई, या फिर जो कैनोज हो गई, ये सब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, जिनको 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है. अब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे फिशिंग गियर्स के बारे में. ये तो हमने देख लिया कि इनके थ्रू यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो तो हमने देख लिया कि इनके अंदर यहाँ पे लोग होते हैं, एंड फिशिंग गियर्स के साथ वो क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं. तो ये फिशिंग गियर्स क्या क्या होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है. फिशिंग गियर्स इंपॉर्टेंट है फिशिंग क्राफ्ट से. तो फिशिंग गियर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.